एक कंपोजर के पास कंटेंट होता है या एक प्रोडक्शन हाउस के पास स्क्रिप्ट्स और कंटेंट होती है वो आई थिंक इट देन यू फील कंफर्टेबल दैट ओके नाउ देन मैदान में उतरने का मजा है वो दो लाइन की जो लिरिक्स है जो शबीर अहमद जी ने बहुत अच्छे लिखे हैं कि जो तेन वेखियाँ सासे गई थम सारी सारी रात सोच क्या बार, क्या बात है सलमान भाई ने मुझे ब्रेक दिया और मैं म्यूज़िक में जो मेरे ब्लड में है वो उन्होंने बाहर लाने का मौका दिया अगेन जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार गुजार हूँ सलमान भाई का हाई दिस इज इजेश रेशमिया एंड यू वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा डॉट कॉम

500 न्यू कंपोजिशंस, राइट, आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ अबाउट अ ईयर एंड जो नई धुनें बनाई थी वो धुने अब बॉडीगार्ड में आई बोल बच्चन में आई ओ माय गॉड में आई सन ऑफ सरदार में आई खिलाड़ी सात में आई और सारे गाने ऊपर वाले के आशीर्वाद से इतने ज़्यादा एक्सेप्ट हुए कि अब करीबन आई हैव अबाउट ट्वेंटी हिट्स नाउ इन अ रो और जब एक कंपोज़र के पास कंटेंट होता है या एक प्रोडक्शन हाउस के पास स्क्रिप्ट्स और कंटेंट होती है वो आई थिंक इट देन यू फील कंफर्टेबल दैट ओके नाउ देन मैदान में उतरने का मजा है एंड नाउ आई हैव अबाउट ट्वेल्व स्क्रिप्ट विद माई प्रोडक्शन हाउस जो मैंने तैयार की है आज ये करीबन पाँच गाने हैं जो मैंने तैयार की है सो कॉन्टेंट वाइज़ एक प्रोडक्शन हाउस या एज अ कंपोजर जो मेरे पास होना चाहिए वो वापस है तो वो जर्नी उस स्टॉक कंपोजिशंस पर बेस्ड है ऑफकोर्स सिचुएशन पर भी बनानी होती है तो मैं गोगो Go गोविंदा -Go जैसे स्पेशली सिचुएशन के लिए बनाया गया टाइटल ट्रैक ऑफ सन ऑफ सरदार वैसे बनाया गया बट ज़्यादातर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में वैसे ही कंपोजिशंस चलते हैं और जो रिलेट करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में जो सिचुएशंस ज्यादातर जा, होती है मैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने पास एक स्टॉक रखता हूँ ताकि डेडलाइन फॉलो ना करनी पड़े बिकॉज right, right, right. वो डेडलाइन का जो इशू है कि दस तारीख तक गाना देना है क्योंकि शूटिंग होनी है अब आपको वो गाना उस दस दिन में अच्छा नहीं बना तो भी देना ही है वैसे मैं काम नहीं करता हूँ और वो सोच सही निकली है उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी एंड दैट इज वाई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ये साल मेरे लिए जो अच्छा गया है वो कहीं ना कहीं उस मेहनत का करना i've been interacting with your fans and you know uh, personally i think it's it's surprising for me to for for, for uh, someone who's, who's primarily a music composer singer and now you've been acting as well to have such a mammoth fan following okay and uh, the way they keep on inquiring and it's not like a one off thing it's like they they keep on just just pursuing and they are very well behaved

कोई कोई मतलब ही नहीं है सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी इंटर विद विथ माई फैन्स थैंक यू सो मच नो इट्स इट इलेव टेकिन सम क्वेश्वन फ्रॉम योर फैन्स हिमेज बिग आई थिंक दे दे डिजर्व इट देर बीन जस्ट पर्सुइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ आफ टेकन फर्स्ट वन इज आई थिंक योर ह्यूजेस्ट फैन यू नो हर एज वेल आई थिंक जेम फ्रॉम लंडन

एंड गो गो गोविंदा एंड चलाउना नैनो से बांध रहे एंड अफकोर्स लोनली एंड सारी सारी रात एंड ऑल दीज सो मेरे पास बहुत सारे और लिरिक राइटर्स भी हैं एंड देर ऑल लाइक माई फैमिली इन माई कंपनी एच आर म्यूजिक जिसमें मैं बहुत सारे न्यू सिंगर्स को भी ला रहा हूँ बहुत सारे न्यू कंपोजर्स के साथ भी मैं फीचरिंग के कॉन्सेप्ट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो अब एक अकेला हिमेश विशम्या नहीं है एक पूरी तरह खुद के 500 सौ ट्यून्स तो हैं ही लेकिन साथ साथ और लोगों को भी साथ साथ बाहर लाना चाहता हूँ और इस साल अमंत्रिका विनीत सिंह सब ने हिट हिट गाने दिए हैं और सब नए सिंगर्स हैं भव्य पंडित इन रानी तो मेरा तो सब बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं और नया टैलेंट आता है तो फ्रेशनेस मिलती है और आज उनको भी कामयाबी मिल रही है और uh, गाने भी हिट हो रहे हैं तो सम हाउ फ्रेशनेस ऑलवेज अपील्स टू मी सो आई एम जॉइनिंग हैंड्स विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड येस लिरिक्स मैं भी करूँगा और मेरे साथ मेरी टीम भी करेगी आपका एक बहुत खूबसूरत गाना जो आई थिंक दिस विच एज कम दिस इयर इज बिछड़न फ्राम सन ऑफ सरदार आई थिंक ब्यूटिफुल सॉन्ग यू नो यू कैन जस्ट कीप ऑन लिस्ट अजय देवगन दट इज फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम फ्राम दलम एज वेल समथिंग अबाउट बिछड़न दैर इज क्लोज टू योर हार्ट एज वेल यस ऑफकोर्स बिछड़न इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट इट्स इट्स ब्यूटिफली रिटन बाय सम Also. And, uh, I, uh, feel, uh, that, uh, जो उसकी मेलोडी है वो कहीं ना कहीं वो एक उस जोन में है जहाँ मैंने मैं जा रहा हूँ कंपोज किया था तो वो जो स्पेस है वो स्पेस में हर साल एक गाना देने का मेरा ऑलवेज एक स्पेस होती है अफकोर्स द ट्यून इज नॉट सिमिलर बट एक स्पेस होती है एक जोन होता है जिस तरह का माहौल जिस तरह का मूड उस गाने का बनता है उससे पहले

एंड दैट इज़ वाई वो एक यूथ uh, को और कनेक्ट कर रहा है सारी सारी रात एंड दैट इज़ वाई अक्षय जी का और मेरा फेवरेट सॉन्ग अक्षय बट जिस पैशन से उन्होंने और बहुत ही मोहब्बत से जिन्होंने गाया है आई थिंक uh, और इवन विजली जिस तरह से उन्होंने लिपसिंग mm. दिया है सो so, uh, जब हमने उनको स्क्रिप्ट भी सुनाई थी तो सारी सारी रात वॉज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट एंड इट इज़ देयर राइट ना ऑल्सो इन द फिल्म एन यू सी इट Uh, you'll understand. So uh, wo connect or plus wo gana or wo do line ki jo lyrics, Joshabira Madjina Boda, chili kengy jo tenu sase gayi, itam sari sari this is Yaju Arya. I have been an appreciator of yours since the nineteen nineties when I grew up watching Aha and Dham Damadam. Was surprised how you handled so many departments like story, screenplay, dialogues, conceptualization, production, etc. Can you please, 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 please stopping only at count of four else can go on pleading for long, have a repeat of them available on some medium like video on demand.

एंड देन ऑफ कोर्स सलमान भाई ने मुझे ब्रेक दिया और मैं म्यूज़िक में जो मेरे ब्लड में है वो उन्होंने बाहर लाने का मौका दिया अगेन जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार गुजार हूँ सलमान भाई का कि मैं आज यहाँ पर हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ बिकॉज वो म्यूज़िक का ब्रेक अगर वो मुझे नहीं देते तो बॉडी जो है सलमान ये मैंने उनको कुछ धुनें सुनाई हैं और उन्होंने पसंद की हैं तो डेफिनेटली अभी पाँव पॉँव बहुत अच्छा रहा बॉडी गार्ड के बाद जी सन ऑफ सरदार में बहुत बड़ा हिट रहा होप फुल्ड गॉड विलिंग मुझे अपने गाने सुनाता हूँ उनको उनको पसंद आते हैं तो देन ही प्लेस इट वेर आई मीन मीज फैमिली जब बुलाएंगे मैं आ जाऊँ अमित प्रतीक फ्रॉम अहमदाबाद इन टू थाउजेंड सिक्स आई हर्ड यूर लॉन्चिंग योर ब्रांड क्लोज लाइक झलक वॉटन देर विलउट द म्यूजिक स्कूल and the brand about the uh, about what you've asked me will is in the process because now my production company is established where i have made my content bank my script bank and as a as a film producer ek ek jo vision tha uska first step hua hai ye vision ka dusra step tha aur international album भी मेरा अब होगा तो बहुत सारे ऐसे vision के जो मेरे steps हैं जो मेरी company के जरिए मैं लाऊंगा उसकी प्रोसेस चल रही है और जो चीज़ें बोली गई है या अनाउंस ऑफिशियली हुई है वो वो ज़रूर बनेंगी